हे गाइस, मैं आज आप सभी को लाइट रूम ऐप के बारे में बताने वाला हूँ गाइस, इसका यूज़ कैसे करना है। तो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आप सभी को लाइट रूम के अंदर ले चलता हूँ। चलिए गाइस, सो गाइस, लाइट रूम को डाउनलोड करते के साथ ही सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसको ओपन करना है एंड गाइस, ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ये है फोटो ऐड करने का ऑप्शन। ठीक है गाइस, तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड गाइस, आप सभी को अपनी फोटो को ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस, मैंने फोटो को अपनी ऐड कर रखा, तो मैं सीधा पहले वहीं ले चलता हूँ आपको। अब वहाँ पर जैसे ऐड करोगे तो गाइस, ये ऑल फोटोज़ में आपकी वो फोटो आ जाएगी एंड गाइस, वो आपके डेट वाइज अपने आप फिक्स हो जाएगी फोटो। सो गाइस, मैंने इस फोटो को अपने को काफ़ी टाइम पहले ऐड किया था, तो गाइस मैं सीधा आपको ये इसी फोटो को ऐड करके दिखाता हूँ एंड गाइस, ये मैंने फोटो को इस पर क्लिक करके यहाँ पे ले आया एंड गाइस, आप सभी को मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ कि गाइस कैसे इसका यूज़ करना है। सो गाइस, इसमें कुछ वो हैं ऑप्शन जिनका हमें कुछ काम नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये अंडो का ऑप्शन है, आप सभी को पता, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप इस पर क्लिक करोगे तो वो अंडो हो जाता है। ठीक है गाइस, एंड गाइस ये वाला जो ये दो ऑप्शन है गाइस, ये किसी काम के नहीं है, ये मैंने यूज़ किए हैं गाइस, ये इनमें कुछ वो नहीं होता। एंड गाइस, इसका थोड़ा सा वो है, इसमें गाइस आप सभी की फ़ोटो थोड़ी सी स्मूथनेस में आ जाती है। सो गाइस, इस दोनों को आप अलाउ कर देते हो गाइस इस तरीके से, तो आपकी फ़ोटो थोड़ी स्मूथनेस में आ जाती है। सो गाइस, इसका भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड बिफोर आफ्टर देख लो गाइस। ठीक है, सो इसका मेरे को लगता नहीं है ज़्यादा कुछ यूज़ है, तो मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसमें हमारे तीन वो हैं टूल्स जो हमारे बहुत मेन है। एक ये थर्मामीटर वाला एंड गाइस, ये जो त्रिभुज वाला आइकन है एंड ये गाइस चौकोर वाला, ये हमारे थोड़ा फायदे वाला है। ठीक है, तो आपको मैं लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड गाइस, आप सभी को ये एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आप सभी को करना क्या है, आप सभी को लाइट अपने हिसाब से देखनी है एंड गाइस, कॉन्ट्रास्ट वाला, इससे भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी हमारे लाइट के हिसाब से चलता है। जैसे मैं देखो, इसके कॉन्ट्रास्ट को मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, एंड हाईलाइट है जो गाइस, इसको आप अपने आप से इंक्रीज कर सकते हो कि गाइस आप सभी को फोटोज़ में कितनी वो ब्राइटनेस चाहिए। ठीक है एंड गाइस, इसके नीचे वाला जो आइकन है शेडो वाला, गाइस आप सभी को पता होगा शेडो आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। एंड गाइस, ये वाइट वाला है, अगर आपकी फोटो में वाइट मतलब गाइस ब्राइटनेस अगर ज़्यादा ही वो हो रही है, तो आप गाइस इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड गाइस, ये ब्लैक वाला, इसका भी सेम वही रूल है, आप इसको ज़्यादा ब्लैक है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस, ये थर्मामीटर वाला आइकन पर जाना आप सभी को। ठीक है ऐसे, एंड गाइस आपको ये मिक्स का जो टूल दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको इसी ऐसे कलर के इंटरफेस दिख जाते हैं गाइस। इनका करना क्या, आप सभी को जितने भी ये कलर है ना, अगर आपकी फोटोज़ में ये कलर होंगे तभी इनका यूज़ होगा। तो गाइस, मैं आपको रेड कलर को एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसमें रेड कलर नहीं है तो गाइस देखो, हमारे फोटोज़ में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा, कुछ भी अच्छा, कुछ भी बदल नहीं रहा। सो गाइस, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा सैचुरेशन एंड ल्यूमिनस को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है एंड गाइस, ये ऑरेंज वाला जो टूल है ना, बड़ा अमेजिंग है, इससे ना ये आपके फेस को इंक्रीज़ करता है। देखिए गाइस, मैं आपके अपने फेस को आपके क्लीन करके दिखा दूँ। देखिए गाइस, इस तरीके से है ना गाइस, तो ये ऐसे। एंड गाइस, ये ऑरेंज वाला जो है, ये येलो वाला जो है गाइस, ये आपके पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा पेड़ पौधों को, ये वो करता है। ठीक है जी, पीछे गाइस दिख रहा होगा आपको, इसमें कलर मेरा देखो वो इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए गाइस, है ना गाइस। एंड आपको जाना है ग्रीन वाले टूल पे, ग्रीन वाले में गाइस हमारे पेड़ पौधे जो ग्रीन है, तो गाइस देखो उनके भी कलर इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए गाइस, आप सभी को दिख रहा होगा गाइस। सो गाइस, आपको ब्लू वाला दिख रहा है गाइस, मेरी शर्ट ब्लू कलर की, तो देखिए गाइस मेरे शर्ट का कलर भी चेंज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो गाइस ये भी एक और ब्लू कलर, तो मैं इसको भी एक बार चेक करता हूँ। देखिए गाइस, मेरे कलर मतलब इंक्रीज हो रहे हैं गाइस। ठीक है, तो इंडिया ये टेम्परेचर जो है इसका गाइस, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। अगर आपको अपनी पूरे फोटो में ब्लू कलर देना है तो आप गाइस इनके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो गाइस। जैसे मतलब आपको जो भी कलर देना है, इसमें आपको सारे कलर मिलेंगे, आप सीधा उस पर क्लिक कर दो। अगर गाइस ब्लैक एंड व्हाइट भी करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा गाइस। सो गाइस, इसके मैं ऐसे ऐसे वो है रूल हैं गाइस, तो आप इसको अपने हिसाब से ऐसे कर सकते हो। ठीक है गाइस, आपको सेकंड ऑप्शन में जाना है गाइस, ये टेक्स्टर है, इससे गाइस आपकी फोटो में गाइस ब्लैकनेस आती है, मतलब थोड़ी वैसी ब्लैक टाइप में हो जाती है। एंड गाइस, क्लियरिटी आप सभी को पता होगा, क्लियरिटी इंक्रीज करने के लिए आती है गाइस। ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस, ये डस्ट दिख रहा होगा गाइस, इससे गाइस आपकी फोटो थोड़ी ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो मैं आफ्टर बिफोर देख लीजिए गाइस। एंड गाइस, आपको ये नीचे सेकंड ऑप्शन है जो विग्नेट का, इससे गाइस आपकी फोटो के चारों तरफ विग्नेट आती है। एंड गाइस, ये मैट पॉइंट है जो गाइस आपसे की फोटो का एकदम सर गोलाई में लेकर आती है इस तरीके से। ठीक है, एंड गाइस नीचे वाले फेदर में जो दिख रहा है गाइस आपसे भी को इस तरीके से। ठीक है, राउंडनेस एंड हाईलाइट, हाईलाइट का गाइस आपसे भी को बताया था मैंने उस टाइम, तो गाइस वही रूल है इसमें भी। ठीक है, अब मैं आप सभी को लेके चलता हूँ नीचे वाले टूल में। एंड जो शार्पिंग गाइस, ये आपके नॉइज जो होती है ना आपकी फोटोज में, उसको कम करता है। ठीक है, थोड़े से इस तरीके से। एंड गाइस, रोडनेस का भी यही काम है गाइस, इनमें ज़्यादातर टूल ऐसे ही गाइस जो ना एक ही काम करते हैं, बट सबके अलग अलग काम है, मतलब करते एक जैसे ही। ठीक है, तो मैं आप सभी को ले जाता हूँ ऊपर वाले आइकन पे। गाइस, आपको ये इमेज वाला आइकन तो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करते हो गाइस, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये गाइस अपने आप ही आपकी फ़ोटो का
ब्राइटनेस ये सब इंक्रीज कर लेता है। सो गाइज इसका भी ज़्यादा वो नहीं है, कभी कभी गलत भी वो कर देता है, कुछ हमें ब्राइटनेस कम करनी होती है बढ़ा देता है। इसको अंडू कर लेता है आपको इस वाले में जाना गाइज, आप सभी को कुछ फिल्टर्स दिख जाएंगे इस तरीके से, ऐसे आप सभी को फिल्टर्स दिखते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ गाइज, ऐसे आपके फिल्टर्स मिल जाते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हो इस तरीके से। सो गाइज मैं एक बार इसमें आपको फिल्टर चेंज करके दिखा देता हूँ, कोई मेरे को ये वाला फ़िल्टर थोड़ा सही लग रहा है, तो गाइज मैं इसको एक बार एक डाल के देखता हूँ। देखिए गाइज इस तरीके से ये वाला मैं डाल के देखता हूँ गाइज कैसे, तो गाइज ये वाला मेरे को थोड़ा सही सा लग रहा है, तो गाइज मैं इसको यहाँ से डन कर लेता हूँ ऊपर से। ठीक है गाइज ये हो गया। एंड गाइज आप सभी को क्रॉप का ये ऑप्शन आप सभी को पता ही होगा गाइज, हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। ठीक है गाइज। एंड गाइज जो आपको ऊपर वाला आइकन दिख रहा है आपको इसमें करना क्या, जो आपके साइड में प्लस का निशान आ जाता है, एंड गाइज इस गोले वाले आइकन पे क्लिक करना है, सर्कल वाले पे। एंड गाइज आपको अपने फेस पे ले जाना है एंड इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है। ठीक है, इसको बड़ा करने के बाद गाइज आप सभी को साइड में कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं कलर एंड गाइज ये लाइट में। अब गाइज देखो मैं अपने फेस को क्लीन करता हूँ गाइज इस तरीके से, इसका ये यूज़ है। एंड गाइज प्लस पे आप दोबारा क्लिक करके आपको मैं गाइज एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो साइड वाला ऑप्शन है इसको आप इस तरीके से खींच के ला सकते हो प्रेस करके इस तरीके से। एंड गाइज आप लाइट वाले ऑप्शन में जाके इसके एक्सपोजर को कम करिए गाइज, आपके इसमें विग्नेट आ जाती है साइड में, इस तरीके से आप विग्नेट भी ला सकते हो। ठीक है। एंड गाइज ये जो टूल ये ब्रश वाला आइकन है आप इस पर ऐसे ऐसे क्लिक करें एंड गाइज लाइट वाले ऑप्शन में जाके इसके एक्सपोजर को कम कर दीजिए, इसका भी वही यूज़ है। ठीक है, तो इसका यूज़ ऐसा। तो गाइज मैं डन कर लेता फोटो को। सो गाइज आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा लाइट रूम ऐप का यूज़ कैसे करते हैं। सो गाइज मैं ये आफ्टर बिफोर देखिए गाइज। ठीक है, सो गाइज मैं आप सभी को बता दूँ इसमें फोटो सेव कैसे से, थ्री डॉट पर क्लिक करें एंड गाइज सेव टू डिवाइस पर क्लिक करें, आपकी फोटो सेव हो जाएगी। एंड गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, तो यार वीडियो को करना क्या है, वीडियो करनी एक लाइक एंड कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एंड गाइज स्क्रीन पे भी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। सो गाइज मैं आप सभी के इसी तरीके से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। सो गाइज लव यू।